ऑल द टॉक्सिक पीपल आर वेलकम टू माय प्रोफाइल। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा यार तुम लोगों के कमेंट से। ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। एलविश यादव के रोस्ट के बाद अब सैमी वीरवाइकर का भी रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने भी कई सारी बातें कही है एलविश यादव को। वेल, सैमी वीरवाइकर के रिएक्शन वीडियो देखने से पहले आप पहले ये देख लो कि एलविश यादव ने अपने रोस्ट पर सैमी को क्या-क्या कहा था। इसके बाद देखेंगे सैमी वीरवाइकर की रिएक्शन, उन्होंने एलविश यादव को कैसे रिप्लाई दिया। हां भाई, अब बात करते हैं हमारे कन्वर्टेड सैमी राइस बैग के बारे में। ठीक है भाई, एक चीज बता, तू मेरे डीएम पे तो बहुत चल रहा था कि एलविश भाई दोनों साइड की स्टोरी जान लेना, उसके बाद अपनी वीडियो पे काम करना। अरे भैया, हम अपना आप काम कर लेंगे अपनी वीडियो पे। पर एक बात बता, तूने जान ये चीजें सेम चीज तैने करी उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करते हुए? तूने एक बार भी सोचा कि भाई तेरी वीडियो डालने से इनकी पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? कल भाई लाइव में रो रहा कि भाई मैं सोच रहा था कि रस्सी से लटक के मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। भाई ऐसी ऐसी स्टेज पे तुम बंदों को पहुंचा देते हो। तूने सोची एक बार भी? यार वो तो सारा जयाद है, पर तू तो 50% हिंदुस्तानी है ना यार। सर भाई नहीं आई ना, पर अब आई क्योंकि हम बैठे हैं ना यार। अब देखो भाई, कोई भी कमेंट सेक्शन में जाके ये नहीं लिखेगा कि एलविश का साला राइस बैग कन्वर्टेड, कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ भी समझ आई। और एक बात बताऊं यार, वो तो सारा विक्टिम कार्ड खेल लेगा कि भैया हम तो माइनॉरिटी है, हम तो ये वो है। यार सैमी जानू, तुम क्या खेलोगे? पिट्टू खेलोगे क्या? तो आप लोगों ने अभी देखा एलविश यादव ने क्या कहा था सैमी वीरवाइकर को अपने रोस्ट वीडियो पर। अब देखते हैं सैमी वीरवाइकर ने कैसे रिप्लाई दिया है एलविश यादव को। ऑल द टॉक्सिक पीपल आर वेलकम टू माय प्रोफाइल। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा यार तुम लोगों के कमेंट से। मुझे जो सच दिखाना था वो मैं दिखा चुका हूँ, लोग समझ गए। अब कुछ लोग ना प्राइवेट वर्ड को बार बार यूज करके लोगों को ना भड़का रहा है। अब क्या ही बोले उन लोगों को, ठीक है। एंड थैंक यू यार एलविश मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, कई थोड़ा सा ना मोटा हो गया था मैं सोच ही रहा था कि जिम ज्वाइन कर लूँ। अब तो लगता है कि जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। एंड सिक्स पैक एब्स देखना चाहते हो कि नहीं गाइस? क्या बोलते हो? जय श्री राम। वैसे गाइस मैं ना फ्लाइट में था तो इसीलिए स्टोरी डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है। कॉमेंट करते रहो यार तुम लोग, मेरा ही प्रोफाइल का रीच बढ़ा रहे हो, मेरा ही फॉलोअर्स बढ़ेगा। यो गाइस, ऑल द बेस्ट। जब कुत्ते भौंकते हैं ना, पता है मैं उन लोगों के साथ क्या करता हूँ? उन लोगों को ना बिस्किट खिलाता हूँ प्यार से, क्योंकि भौंकने का काम हमारा नहीं है। तो ये देख सकते हो तीन प्यारे कुत्ते हैं, तो खिलाता हूँ इन लोगों को। चलो गाइस, एक फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये रोस्टर्स ना लोगों को अपनी बातों में कैसे भड़का रहा है एंड मैनिपुलेट कर रहा है। कि एक लड़का को डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया पे वीडियो डाल सकता है, फेक एलिगेशन लगा सकता है, बट एक लड़का खुद का सेल्फ डिफेंस के लिए अपना प्रूफ सोशल मीडिया में नहीं डाल सकता। वाह भाई वाह, क्या हिपोक्रेसी लेवल है यार तुम लोगों का। हिपोक्रेसी लेवल इनटू 100। ऐसे रोस्टर्स बनेगा तुम लोग। इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपको बस यही करना है कि पॉपुलर दुनिया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा के रखना है। आई होप कि ये वाली अपडेट वीडियो भी आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। चलिए दोस्तों, मिलते किसी अनदर वीडियो पर अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।